अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे KSE100 इंडेक्स के बारे में और साथ साथ पीपीलीपी को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पीपीलीपी से कि आज की पीपीलीपी की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या कहती हैं और कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने पीपीलीपी का डाटा के कल की फिबिलिपी के अकॉर्डिंग और आज में अगर हम देखें तो कल हमें ऐसा लग रहा था कि जो फॉरनर्स हैं उनकी सेलिंग्स का प्रेशर जो वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और वो ज्यादा अब सेलिंग शायद बची नहीं है वहां से, तो वहां से हमारा इनफ्लो आना स्टार्ट हो जाए। इस तरह के जो सेंटिमेंट्स है वो इस्टेब्लिश हो रहे थे कल तक, लेकिन आज जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंगली जो फॉरन कॉर्पोरेट्स हैं वो अभी तक सेलिंग साइड के ऊपर ही हैं और आज उन्होंने $3.37 मिलियन की वर्थ के शेयर्स जो है वो मार्केट के अंदर सेल किए हैं और सबसे ज्यादा सेलिंग जो है एज पर ट्रेंड वो बैंकिंग चैनल के अंदर देखी गई है और उसके बाद सबसे ज्यादा सेलिंग अदर सेक्टर के अंदर देखी गई और देन सीमेंट एंड देन ईएनपी सेक्टर। और अगर हम बात करें लोकल साइड पे, तो लोकल साइड पे सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो देखी गई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, और अगर हम बाइंग की बात करें लोकल साइड पे तो सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स ने की है। अगेन यहाँ पे भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो काफी ज्यादा अग्रेसिव मोड के ऊपर हैं और अग्रेसिवली जो है वो एक्युमुलेशन और बाइंग कर रहे हैं चढ़ती हुई मार्केट के अंदर, तो ये एक कंसर्न है। लेकिन साथ साथ जो है उनका साथ दिया है ब्रोकर्स कम्युनिटी ने, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 1.35 मिलियन की जो है वो बाइंग की है। और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं अदर्स और देन उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज जिन्होंने बाइंग की। अगर हम इनकी बात करें ब्रोकर्स की, क्योंकि ब्रोकर्स भी एक जाइंट प्लेयर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ब्रोकर्स ने जो हैवी बाइंग की है वो अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर उन्होंने हैवी बाइंग की है। और सीमेंट सेक्टर में हैवी बाइंग करने की एक वजह ये भी हो सकती है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए रिलेटेड चीजें चल रही थी और साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोल की जो प्राइसेस काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हुई हैं, तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ इनपुट थोड़ा रिड्यूस होगा और इट्स बेनिफिट फॉर बेनिफिशियल फॉर सीमेंट सेक्टर, तो ये रीजन हो सकती है। और अगर हम इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा सीमेंट में बाइंग की है अगेन, एंड देन उसके बाद उन्होंने की सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो ईएनपी सेक्टर के अंदर उन्होंने की है। और म्यूचुअल फंड देखें तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा सेलिंग सीमेंट सेक्टर में की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने बहुत लोअर रेट्स के सीमेंट सेक्टर सीमेंट्स के स्टॉक जो है वो अपनी पोजिशन वहां पे बिल्डअप की हुई थी, तो अब वो यहाँ पे सेलिंग करें। दिस इज एक्चुअली अ कॉज ऑफ कंसर्न के जो म्यूचुअल फंड हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं और उन वो इस मोमेंट पे आके सीमेंट को सेल कर रहे हैं जबकि इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स जो है वो उसको बाय कर रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब अगर एक चीज है, एक सेक्टर है जिसने अभी चलना स्टार्ट किया है और ऐसा व्यू बन रहा है कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगा, देन व्हाई दे आर सेलिंग, माय क्वेश्चन। तो ये चीज जो है आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, आपको जो है वो सोचना पड़ेगा इसके ऊपर बिफोर गोइंग टू जंप इन टू सीमेंट सेक्टर। तो चलिए आप चलते हैं KSE100 के टेक्निकल रिव्यू पे। तो ये हम आ गए हैं टेक्निकल रिव्यू के टेक्निकल चार्ट पे। तो आप यहाँ पे KSE100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि अभी तक एक रेंज बाउंड के अंदर है और इस रेंज को जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। मींस कि आप ये देख लें कि इस रेंज के अंदर ही इंडेक्स जो चल रहा है। एक सुबह में ट्विटर अकाउंट पे हमने एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसके अंदर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताया था कि 32,200 इज द लेवल जहाँ से ऊपर पे क्लोजिंग के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है और अगर उससे नीचे रहता है तो वो बुरा है, ऑब्वियसली फिर वो नीचे डाउनवर्ड प्रेशर देगा। तो ये वो लेवल है जहाँ पे जो है सेलिंग आप देख सकते हैं कि बन सकती है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर ज्यादा पॉजिटिव है। एक पैटर्न जो कि नजर आया है अगर वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो उससे काफी ज्यादा हेल्प आउट मिलेगी कि आगे की थोड़ी सी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। टेक्निकली एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया जाता है, तो वो चीज एक फॉर्म होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे कि अगर मैं ड्रॉ करूं मोर और लेस जो है ये उसी के जैसा है। इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं। दिस इज लाइक अ फ्लैग, ये जो है ये फ्लैग बना है और अगर मैं इसको यहाँ आगे से कनेक्ट करूँ यहाँ से तो दिस इज मोर गुड, एंड ये हमारे पास जो है ये एक पोल इस फ्लैग का जो है ये यहाँ पे बना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि एक राइजिंग मार्केट के अंदर इस तरह का पैटर्न बना है कि दिस इज द पोल एंड दिस इज फ्लैग. अब अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ से ऊपर, इसका मतलब है कि इस पैटर्न को ब्रेकआउट मिलेगा, और अगर इस पैटर्न को ब्रेकआउट मिलेगा तो इस पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट लेवल होगा इट कुड बी अराउंड, अगर वो इस लेवल पे ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पे इसका टारगेट जो है वो देख सकते हैं कि टारगेट इसका किस तरह से हम फॉर्म करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टारगेट फॉर्म करना. इसको कलर चेंज कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा. सो दिस इज द टारगेट. अब ये इसका अल्टीमेट टारगेट है विच इज अराउंड 35,200 समथिंग के पास आ रहा है ये टारगेट. अगर हम इसकी बात करें 35,300 समथिंग, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया. दिस इज अल्टीमेट टारगेट फॉर दिस पैटर्न. बट इसके अचीव होने से पहले एक छोटा जो फर्स्ट लेवल का टारगेट होगा उसको भी जरा फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि हमें वो भी पता चल जाए कि उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनती है. तो लेट्स से फ्रॉम द ब्रेकआउट लेवल, लेट्स से अगर इधर ब्रेकआउट देता है ये कल, तो दिस इज द फर्स्ट और इनिशियल टारगेट फॉर KSE100 इंडेक्स. कि अगर ये अपसाइड को हम देखें विच इज अराउंड 33,500 और 400 की क्लोजेस्ट जो है ये जा सकता है अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो. दिस इज स्टेटेड और यू कैन से बेस्ड ऑन पैटर्न टारगेट, तो यू कैन से द नंबर 33,450. इसको जरा यहाँ पे लिख देते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि ये टारगेट जो है वो किस तरह से ड्राइव हुआ है. तो दैट मीन्स एक्सपेक्ट इनिशियल फर्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल 33,300 to 33,500 based on this तो राइट पे कर देते हैं, लेफ्ट पे कर देते हैं बोल्ड एंड थोड़ी, तो आपको जो है इजिली पता चल जाएगा दिस इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल. अगर ये इंडेक्स 32,200 और 500 को ब्रेकआउट देता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट दिस मच. लेकिन ये पैटर्न जो है ये उसी टाइम पे बन पाएगा जब आपका इंडेक्स जो है वो 32,500 तक के लेवल को जो है ब्रीच करके और ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये टारगेट जो है एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर वही है, डाउनवर्ड जो लेवल्स हैं जो कि इंटेक्ट किया था हमने वो वही है. तो इसका मतलब है कि इंडेक्स जो है वो इस रेंज के अंदर चलेगा, तो अगर आप अब काम कर रहे हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा 30,500 से बिलो पे. ये वो लेवल होगा, अगर यहाँ से ब्रीच हुआ दैट मीन्स यू कैन सेट योर स्टॉप लॉस एट दिस लेवल. तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना है. सो योर स्टॉप लॉस बिलो 30,500 और बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो यहाँ पे होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल पे इस रेंज के अंदर रेंज बाउंड चल रही है तो दिस इज गुड साइन कि मार्केट जो है कंसोलिडेट हो रही है और मार्केट गिर नहीं रही है. ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन होता है मार्केट के लिए कि कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगी. अगर ब्रेकआउट जिस लेवल पे भी देती है तो उससे उसका ट्रेंड जो है वो शिफ्ट होगा. तो ये एक लेवल है. दूसरा लेवल ये है अल्टीमेट इस पैटर्न के हिसाब से कि ये वाला टारगेट जो है वो हो सकता है. तो हम यहाँ पे भी नंबर मेंशन कर देते हैं अल्टीमेट एक्सपेक्टेड लेवल 35,200 to 35,500 और इस रेंज के अंदर ही होगा. इससे ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, बट इतना ही होगा. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लेवल्स. इसको थोड़ा साइज इसका बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए. आई होप कि इट्स फेयरली क्लियर कि मार्केट किस तरफ जा रही है और ये जो टारगेट है ये काफी अच्छा है और आपने एक तरह से सीख भी लिया कि इसको फॉर्म किस तरह से किया और इसकी कैलकुलेशन कैसे की. और डाउन साइड लेवल जो है वो अगेन वो 29,500 तक इंटैक्ट है. इनिशियल लेवल हमारा जो हमने कोट किया था कि 29,500 तक अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है नीचे की तरफ तो दिस वुड बी द लेवल वेयर यू कैन एक्सपेक्ट अ इनिशियल डाउन साइड टारगेट 29,500. सो ये वो लेवल होगा जहां पे आपका डाउन साइड एक्सपेक्टेशन होगा. यहाँ लिख देते हैं इनिशियली, फिर उसके बाद हम रिविजिट करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता.
तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर वीडियो और सारे लेवल्स भी क्लियर हैं, सब चीजें क्लियर हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से इंडिकेटर्स की। तो आज वॉल्यूम्स भी ज्यादा है कम्पेयर्ड, तो काफी ज्यादा अच्छा मूव बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और साथ साथ जो RSI है, RSI भी जो है वो पॉजिटिव बिहेव कर रही है, दिस इज ऑल्सो गुड साइन। अगर हम RSI के अंदर देखें तो ये RSI का जो डेली बेसिस के ऊपर ये इसकी रेजिस्टेंस थी, तो RSI ने इसकी रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिखाया। आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली ब्रेकआउट दिखाया है यहाँ इस लेवल के ऊपर, तो दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो शोइंग अ क्लियर साइन कि मतलब यहाँ से बुल मोमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है स्टार्ट हो जाए। लेकिन वो सारा का सारा जो बेस करता है, वो बेस कर रहा है जो ऑयल की रिसेंट मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के अंदर जो आउटकम आता है वो क्या आता है, क्योंकि ENP का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आज की रैली के अंदर, साथ साथ जो है वो सीमेंट्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आज की रैली के अंदर। तो मार्केट जिस तरह से भी मूव होगी, तो इन सेक्टर्स के ऊपर अगर प्रेशर आया और ओवरऑल मार्केट पे आया, तो डेफिनेटली फिर वो पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है वो सब स्क्रिप्ट के ऊपर आता है, तो ये चीज भी नजर में रखनी चाहिए। तो आज जो मीटिंग है OPEC की, उसका आउटकम इज वेरी क्रूशियल फॉर एंटायर आर मार्केट एक्चुअली। तो फिर हम देखते हैं कि उसका आउटकम क्या आता है, फिर उससे क्या डिसीजन फॉर्म किया जाता है। अभी तक तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जो है वो 26.3 और 26.4 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, विच इज अराउंड 6% अबव फ्रॉम द लास्ट ट्रेडिंग और लास्ट क्लोजिंग प्राइस। तो दिस इज शोइंग समथिंग कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है, बट दैट कुड बी दी स्पेकुलेटिव मूव इन दी ऑयल सेक्टर कि वो जो है इतना ज्यादा उठा के रखा है, और जब न्यूज आएगी देन दे विल यू नो डंप देयर होल्डिंग्स और उसको गिरा देंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो लेट्स सी कि आउटकम क्या आता है, देन वी विल डिसाइड फर्दर। और अगर हम इसकी MACD देख लें जल्दी से, तो MACD को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और MACD की बेसिस पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं MACD जो है वो राइजिंग उस पर है, तो मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो देखा जा सकता है अभी तक सो फार, बट आई गेस के ये यहाँ पे पीक कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा या कुछ, तो MACD के अंदर थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। और MACD आप सिग्नल लाइन भी कंटिन्यूसली जो है वो अपसाइड के ऊपर है, तो इसका जो ये डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी, ये डाइवर्जेंस ये शॉर्ट हो जाएगा, या मीन्स के इसको ये कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए ज्यादा काम का है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्लियरली शो कर रहा है, और इसी तरह का पैटर्न जो है वो एक और स्क्रिप्ट में मिला है, वो भी जो है अभी आपको मिल जाएगी उसकी भी वीडियो, तो आप उसमें उसका टारगेट भी देख सकते हैं और इजीली आप उसके अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड इट दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट, सो प्लीज डू कॉमेंट एंड लेट अस नो अबाउट इट, एंड देन एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज हार्ड एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।